तो इस तरह से हमारे जो है पांच कॉन्सोनेंट्स अपस्ट्रोक्स हैं, इनके नाम रहेंगे रे, वे, ये, हे और एल। तो इनमें भी छोटा सा सब क्लासिफिकेशन है। हमारे जो पहले चार कॉन्सोनेंट हैं वो स्ट्रेट अपस्ट्रोक्स बोलेंगे इनको, और एल को हम जो है कर्व अपस्ट्रोक बोलेंगे। अब इसके बाद जो है, और इनका जो नंबर है वो हमारा 5 है। तो अब हमारे जो है डाउन स्ट्रोक्स जो रहेंगे उनमें से टोटल स्ट्रोक्स में से यदि हम हॉरिजेंटल निकाल देते हैं और अप स्ट्रोक्स निकाल देते हैं, मतलब 5 प्लस 5, तो 16 कॉन्सोनेंट जो है हमारे वो डाउन स्ट्रोक्स रहेंगे। तो वो हम इनमें इसे लिख लेते हैं। डाउन स्ट्रोक्स में हमारा जैसे पी रहेगा, टी, चे, इस तरह से इनका डार्क फॉर्म बी, डी और जे, और स्टेट स्ट्रोक्स में से और सिर्फ हे हमारा जो है ये हमारे डाउन स्ट्रोक्स रहेंगे, और कर्व में से हमारे इफ, डी, एस और जी और आर, एफ, वी और इस और जी। इनका हम दोबारा काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 16 स्ट्रोक्स आर डाउन स्ट्रोक्स। सो अब अनदर जो है, हमारे जो कुछ स्ट्रोक्स जो हैं डार्क हैं उसके हिसाब से भी हमें समझना चाहिए। तो स्टेट्स में से देख लेते हैं जो हमारे डार्क हैं। तो हमारे हैं बी, डी, जे, गे, और इनमें से कोई डार्क नहीं है। तो ओनली 5 स्टेट स्ट्रोक आर डार्क। नहीं, ओनली 4। देन वी चूज फ्रॉम द कर्व। कर्व में पहला हमारा डार्क है इंग, नेक्स्ट है हमारा दी एंड जी, और यहां पर वी हो जाएगा और यहां पर जी हो जाएगा। तो देयर काउंटिंग इज जस्ट 4 5 6 7 8 9। सो 9 कॉन्सोनेंट्स आर डार्क। तो रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स आर लाइट। सो वो भी हम यहां पे लिख सकते हैं। स्टेट में से ले लेंगे पी, टी, जे और के, और फिर इसके बाद ये सारे हमारे स्टेट्स रे, वे, ये और के, और डाउन वाला के भी हमारा लाइट है, और इसमें से एम और एन हो जाएगा, और इट, एस और एफ और इस। तो वी कैन काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड एल एंड आर। तो इस तरह से 17 स्ट्रोक्स हमारे लाइट स्ट्रोक्स हैं। तो ऐसा सब कुछ समझने के बाद में इनको हम अच्छी तरह से राइट करना सीखना है और उनको रीड करना हमें आना चाहिए। एकदम से देखते ही हमें समझ में आना चाहिए हमें कौन सा कॉन्सोनेंट लिखा है, और सबको प्रैक्टिस करते हुए हमें ये चार चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। डायरेक्शन, एंगल, कौन सा लाइट है और कौन सा डार्क है हमारा, और उनका साइज जो है हमें सिमिलर मेंटेन करते हुए लिखना आना चाहिए, और एक्सटेंडेड साइज अडॉप्ट करना है विच शुड बी 6 mm। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे स्ट्रोक जो है वो इससे ज्यादा छोटे या ज्यादा बड़े भी होने चाहिए। ज्यादातर हम 1 mm का वेरिएशन ले सकते हैं। ये कोई 5 mm हो सकता है या 7 mm हो सकता है, लेकिन ये 4 mm या 8 mm नहीं होना चाहिए। ये जो सब समझ में आने के बाद में हम जो है उसके बाद में इन स्ट्रोक्स को ज्वाइनिंग करना सीखेंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।